सबसे पहले हम ही आए हैं, अच्छा लग रहा है सबसे पहले पहुंच गया। ठीक है भाई, बैक टू डिकाला कैंपस। अब यहाँ की सबसे पहले मैं जाता हूँ कैंटीन के सामने, ग्रासलैंड में देखते हैं कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। हमारे बाद कुछ हलचल हुई वहाँ पे नहीं, सामने बॉडी स्टैंड। अभी ब्रेकफास्ट कुछ खाता हूँ मैं, सबसे पहले रूम में नहीं जाऊँगा। और ये बंदरिया मौका ढूंढ रही है कोई बैग रखे तो मैं छीनूँ। सबसे पहले कैंटीन में देखते हैं क्या बन रहा है और कितने रुपये में मिलता। तो क्या 350 रुपये में ब्रेकफास्ट, या तो मैं छोटी वाली कैंटीन में करूँगा या इसमें करेंगे। देखते हैं क्या बना है, देखते हैं भाई ब्रेकफास्ट में क्या बनाया। अच्छा ये पूरी, ये आलू है, आलू की सब्जी है, ये है और पोहा दलिया है, बस यही है, बाकी ये सब है, बस ये है। ठीक है, 380 रुपये का ब्रेकफास्ट है जिसमें पूरी भाजी मिलेगी, तो वर्थ नहीं है ब्रेकफास्ट करना यहाँ पे, छोटे वाली कैंटीन में चलते हैं। ये देखो यहाँ पे छोटा बंदर बड़ी बंदर ही है। अरे अरे अरे, पोल्यूशन, यहाँ भी पोल्यूशन है। इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इसको नहीं ले जाना यार, इसको मत ले जा यार, इसको मुझे डस्टबिन में डालना है। पता नहीं किसने फेंक दिया, दिखाला में भी पोल्यूशन फैल रहा है। हाँ बंदरे, उसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, ठीक है, उसको इधर दे दे। अरे इधर दे दे, ला छोटे, अच्छा बच्चा ऐसे काम नहीं करते, उसको इधर दे दे। अरे अबे हाथ डाल दिया, ओढ़ रहा है उसको, हाथ फंस गया उसको। क्या कर रहा है बंदर का बच्चा, पॉलिथीन के साथ खेल रहा है। अरे पता नहीं इसे कहाँ से मिल गई। अरे उसको अपने सर में पहनने की, अगर भाई इस तरफ से होती ना ये, उस तरफ से बंद है वरना पहन लेता ये पूरा। ये देखो। अरे गिर गया, अब उसको कुछ नहीं दिख रहा। अबे घल गया, उसके अंदर ही घल गया, पन्नी के अंदर घल गया, अब निकलेगा भी नहीं। अच्छा यार ये गलत चीज़ है, मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखता हूँ। एक्चुअली रस्ते में ना एक ग्लव्स पड़े हुए थे किसी के, जहाँ पे टाइगर साइटिंग हो रही थी वहाँ पे ना किसी के ग्लव्स पता नहीं गिर गए, उसने ध्यान नहीं दिया गलती से, अब ग्लव्स वहाँ पे पड़े हुए थे। मुझे इतना दुख हुआ उनको देख के, मैंने तुरंत ड्राइवर को बोला कि प्लीज़ रोको यार। फिर बाकी लोगों ने कमेंट किया छोड़ना ये तुम तेरे थोड़ी है, तो मतलब यार मुझे बहुत दुख होता है यार, मतलब टाइगर ही तो खाएगा सब, टाइगर सब में मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं बाकी लोग टाइगर से, मतलब देखना चाहते हैं, प्यार करते नहीं करते, प्यार तो करते नहीं है पर आई होप यू अंडरस्टैंड, पर देखना चाहते हैं बस। और मैं पूरा जंगल घूमना चाहता हूँ, एक एक चीज़ को एंजॉय करता हूँ, पेड़ को, पौधों को, झाड़ियों को, चिड़ियाओं को। वाइल्ड बोर थे, पर वाइल्ड बोर एक्चुअली मुझे उनका भी फ़ोटो खींचना था, उनको भी रिकॉर्ड करना था, लेकिन उनके पास कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि हम टीम में चल रहे हैं अभी, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क हो रहा है यहाँ पर। और मेरा तो खैर मन करता है कि दूर उधर एक रिंगोरा चौकी है, बहुत शांत है, बहुत प्योर फॉरेस्ट है, इतना अच्छा लगता है ना, बस वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ कुछ देर, वहीं पे आते हैं सारी वाइल्ड लाइफ, सब चिड़िया वड़िया सब दिखेंगी आपको। पर वो जो मेरा थॉट है, जो मेरा सेंस है, वो मैच नहीं कर रहा दूसरे लोगों से। दूसरे लोगों को सिर्फ देखना है टाइगर, टाइगर ओनली टाइगर, दे जस्ट वांट टू सी टाइगर, एंड नो वन केयर अबाउट दैट ग्लव्स, दैट इवन टाइगर कैन ईट एंड दैट ग्लव कैन हार्म द टाइगर। People don't think about that, but they just want to see it and don't care about it. ये लो चाबी ले लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं अभी कैंटीन जाता हूँ कुछ खाता हूँ फिर आता हूँ छोटे वाली में। और यहाँ पे तो भाई ये बंदर अटकेलिया कर रहे हैं, ये मुझे डराने की कोशिश करता है। मैं डरता नहीं हूँ पर बंदरों से, मुझे तो इनका माइंड सेट पूरा पता है। ये देखो छोटू को, छोटू उधर से जंप मार सकता है तू, मार सकता है उधर से जंप, मार सकता है, नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। एक छोटू और है, छोटू नन्ना चा, अच्छा ओहो भाई कहाँ जम मारी इसने इतनी दूर से, मैं वही सो रहा यहाँ से कहाँ जम मारेगा, इतनी दूर कूद गया छोटू। अरे अच्छा हो बेचारा लुढ़क लुढ़क के कहाँ पहुँच गया, अच्छा। तो भाई ढिकाला का ग्रास ले, अभी दिखा देता हूँ यहाँ से हाई बैंक से व्यू। जो हाथी कल थे वो वहीं पे ही हैं बिल्कुल, और वो रिंगोड़ा चौकी के बिल्कुल पास ही हैं, उधर रिंगोड़ा चौकी है। और बाकी ग्रास लैंड में ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है, शांत माहौल है, और दूर से दूर तक धूप आ चुकी है, 10:30 बज रहे हैं। और इससे पहले भीड़ लगे लोगों की स्टाफ कैंटीन में, फिर ऑर्डर लेट आता है, कुछ चलते हैं खाते हैं पीते हैं, पेट भर जाएगा, फिर बाद में लंच करेंगे। फिर ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे घुमा दूंगा, जैसे केबिन दिखा दूंगा, क्योंकि अभी चेकआउट करेंगे कुछ लोग, तो जिसमें साफ़ सफाई हो रही होगी तो केबिन दिखा दूंगा, हटमेंट दिखा दूंगा, एनएक्स में जिसमें हम रुके हुए वो तो मैंने दिखाई दी, बाकी और भी दिखा दूंगा जितना भी डिटेल में होगा ना, सब पॉसिबल तो सारा शो कर। चलो स्टाफ कैंटीन में खाते हैं भाई, ये नंबर है भाई, एक वेज सैंडविच या एक चाय ली है और एक ब्रेड ऑमलेट। भाई सफारी 5 मिनट एंड करने का फ़ायदा मिल गया, और जल्दी से मैं कैंटीन में आ गया, बहुत भीड़ लग चुकी है और ऑर्डर बहुत लेट में मिलेंगे, तो मैंने यहाँ पे सैंडविच ले लिया है और ये और चाय, थोड़ा बहुत खाते हैं और फिर बाद में देखेंगे लंच करना है डिनर करना है।
तो 10:50 हो रहे हैं यहाँ पे भाई, ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी 1:30 बजे से सफारी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो 10:30, 11:30, 12:30 यानी कि 3 घंटे अप्रोक्स, 2 घंटे 40 मिनट कुछ है हमारे पास। तो उस देर में भाई रिलैक्स विलैक्स कुछ नहीं करने का मैंने मेरा, आज थोड़ा सा घूमते हैं। सामने डॉर्मेट्री है, उसके पीछे एमपी थिएटर वाला एरिया, उधर हाथी वाला एरिया है, इधर लाइब्रेरी। चलो सबसे पहले लाइब्रेरी चलते हैं, आज आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं अगर ओपन होगी तो। अगर ओपन नहीं होगी तो ओपन करवा लेंगे बाद में, तब दिखा दूंगा। लोघट, लोघट इसको बोलते हैं, डोरमेट्री को ही लोघट बोलते हैं यहाँ पे। और सामने फॉरेस्ट रेस्ट, ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, और सामने हमारी एनेक्सी, और उनका भी थोड़ा बहुत पूछेंगे, इंटरव्यू लेंगे। और पहले लाइब्रेरी देख लेते हैं अगर ओपन है क्या। लाइब्रेरी तो क्लोज ही होगी, मुझे पता था क्लोज ही है भाई ये तो। जिन लोगों को चेकआउट करना है वो धीरे धीरे आज चेकआउट कर रहे हैं। और तो ठीक है, ये लोग भी दिल्ली से थे, अभी जा रहे हैं चेकआउट कर रहे हैं। इनको भी कल दिखी थी, इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इस बार इनका टाइगर का। और दिस इज़ द मोमेंट, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये समय, ये धूप, ये इन्वायरमेंट, यहाँ पे ठिकाला कैंपस में आराम से बैठो। तो चलते हैं बस अपने उस तरफ ही, क्या बातें हो रही हैं। यहाँ पे अनवर सर बैठे हैं, कुछ बातें हो रही हैं सर से। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? मेरे सामने 2 अटैक हुए थे। अच्छा, इनके सामने 2 अटैक हुए, मावत पे हुआ था। अच्छा, और एक यहाँ कैंटीन के अंदर बंद करके कैंटीन वाले जा रहे थे तो अच्छा, इनको पकड़ लिया था। अच्छा अच्छा, बंदर भी कितने आ चुके हैं रूम के सामने, चलो पूछ लेते। अच्छा। आपका क्या नाम है? नाम हर्षदेश। हर्षदेश, अच्छा आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? 20-22 साल हो गए ना। तो आपने मतलब कैंपस में 2 अटैक देखे हैं ना? 2 देखे। तो बच गए थे दोनों लोग? बच गए। अच्छा, एक तो पांडे जी वाला अटैक था। पांडे जी वाला था, तेरसिया में काम करते थे। अच्छा, जब आप नहीं थे? हम ही। अच्छा, सामने की वाली बात है। अच्छा, खुद हमने भी बचवाए। अच्छा, उनका कैसे हुआ था? मेरे को सुनने में पता, पर अच्छे से नहीं पता। अच्छे से मतलब यही कि सुनने में क्या, वो सूप बंद कर कर अपना जा रहे थे। अच्छा, ये जो कैंटीन नहीं थी वहाँ एक छोटा सा कमरा था उनका। हाँ, कैंटीन के पास। हाँ हाँ हाँ, तभी वो जा रहे थे तो तभी वो खाई में बैठा हुआ थी जानवर, वही मतलब टाइगर। हाँ हाँ, और उसने जो है तुरंत पकड़ लिया, कर दिया या पूछ कर दिया, गर्दन पे कर दिया यही। और फिर मतलब अटैक करके वो भाग गया। हाँ। और फिर दो बचाया, आपने तो हटाया उसको टाइगर को, वरना कर देता वो। और एक तो सुनने में आया कि वो दोबारा से आया फिर टाइगर अटैक करने। दोबारा तो फिर वैसे आए ना। हाँ। इस गेट से इस गेट पे। हाँ। जगह गेटों पे। हाँ। आए आते रहते हैं। खाना पीना हराम कर दिया है ना बहुत। जब एक बार उसने अटैक किया तो उसने सोचा कि दोबारा से पकड़ लूंगा मैं, कोई ना कोई मिल जाएगा। एक बार खून मुंह लग गया ना उसके, एक बार वो ट्रैक्टर ट्रॉली पे आ गया था, ट्रैक्टर के ऊपर। अच्छा, जैसे ये ग्रासलैंड है, यहाँ से हाई बैंक से दिखता है, यहाँ पे टाइगर कितनी बार दिख जाता, मतलब कितने दिनों बाद दिखता रहता है? दूसरे तीसरे दिन दिखता रहता है ना। हाँ, मतलब जब जितनी गर्मी पड़ेगी। हाँ, पानी किनारे आएगा, जितनी गर्मी पड़ेगी पानी। हाँ, पीने के पानी। तो यहाँ पे आया था वो परसों, है ना, जैसे 2 दिन से नहीं आया, कल नहीं आया और आज नहीं अभी दिख रहा, हो सकता दोपहर में आ जाए। हाँ, किसी टाइम भी आ सकता है, या फिर कल आ जाएगा, अब तो कभी भी आ सकता है। कल रात तो था वो यहाँ पे, पूरा कॉल हो रही थी। बहुत बढ़िया, आप कहाँ से हो वैसे? यहीं से ही। अच्छा, पास से ही, लोकल से ही हो। आपको तो अच्छा लगता है ना यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि बेकार लगता है, कहाँ जंगल में पड़े, ऐसा तो नहीं है ना? ऐसा नहीं, बहुत अच्छा लगता है ना। परिवार ही शुरू में इसी में है, अभी भी है। हाँ, परिवार कहाँ रहता आपका? हमारा ये लोकल में रहते हैं। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे? बच्चे तो बता रहा हूँ, बच्चे सब रहते हैं। हाँ, और कभी कभी महीने में आ जाते हैं, कभी वैसे घूमने फिरने। अब घूमो है ही उनका जिंदगी भर, कितने घूमते हुए तो फिर उन्होंने इतना वो नहीं है। हाँ, कभी हम ही चले जाते हैं। हाँ, महीने 15 दिन में। हाँ, बस हम चले रोड मारा और बस पैसे जो बेचते रहे, बेचते रहते हो। एक तो पैसा नहीं मिलता है। हाँ हाँ, पैसा कम मिलता है, तनख्वाह कम मिलती है, बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल में खर्चा करना पड़ता है। हाँ, सही कह रहे हो। अरे, मेरी जैकेट के पास आ गया, कुछ नहीं है वैसे इसके अंदर, पर फाड़ देगा, कोई फायदा नहीं है। कितना होगी आपकी सैलरी, जैसे कितना मिल जाता है? 8,300। उसमें कटता भी है कुछ या वो हाथ में मिलती ना, है? तो वो कैश मिलता है, बैंक में आता है? ना, बैंक में आता है। जब बैंक में आता है
उस हिसाब से भी काफी कम कर रखी है। बताओ भारत देश है ना ये, आपको पता है कि जितने भी दूसरी कंट्री है, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, वहाँ पे एक छोटा वर्कर भी आईफोन खरीद लेता है, इतनी हैसियत होती है। सही बात। और आराम से वो एक छोटे वर्कर की भी 40-50-60 ऐसे रहता है नॉर्मल। इसमें दाल रोटी खिलानी बच्चों को, 8,300 सोचो मानसिकता। और ये अपने आप कितनी मोटी तनखा लेते हैं, वो भी एक ही महीने में, दो तीन, कितना होता है, बहुत कम होता है 8,300। दिन का कितना हुआ? वो कुछ नहीं जैसे दिन का 200 कुछ रुपए हुआ, 200 कुछ रुपए। उससे अच्छा तो गाइड बनने को पड़ता है। गाइड बहुत कमा लेते हैं, पैसे नहीं, ये तो है, गाइड कमा लेते हैं, टिप भी मिलता है, बहुत ये तो है। और मैं बताऊँ आपको, अधिकारी कितना कमाते हैं, 2 लाख 3 लाख 1.5 लाख। अब आप ये समझो कि ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है भारत देश में। अपने आप खुश हो रहा है कि हाँ मुझे मिल गया, भगवान कभी भी उसका भला नहीं करता, कभी भी भगवान की अनुकंपा दृष्टि नहीं उसके ऊपर पड़ती है, जो अपने लिए करता है, जो दूसरों के बच्चों को दूसरा समझे और अपने बच्चों को अपना। सबके बच्चे सबके बराबर हैं, ये तो हमें मतलब मैं भी सुनता रहता हूँ ना, ये हमारे गुरु जी बताते रहते हैं, तो हमें तो पता है। लोग ये नहीं सोचते कि देख वो कितना है 8,000 और मैं 8 लाख पे हूँ, उनको ये नहीं, मदद करनी चाहिए सबकी। भाई मेरा तो यही मानना है हमेशा, सभी अफसर सोचे या कोई सोचे। चलो अभी टाइम है तो थोड़ा सा कैंपस घूम लेते हैं। ये ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और काफ़ी लोग वो स्टैंड पे खड़े हैं, उस तरफ खड़े हैं। चलो उनसे बात करते हैं क्या कर रहे हैं लोग। देखो ये बंदरिया अपना इसके जू छुटा रही है, आराम से लेटा है मस्त। चलो भाई फ़ोन से बात करते हैं, क्या दिख रहा है क्या नहीं। जो कैलिफोर्निया वाले अंकल थे उनके पास भी भाई सेम दूरबीन थी, इनके पास भी सेम है, स्वरोज की, काफ़ी महंगी आती है, 5-6 लाख रुपए की। और ये था बर्ड वाचर्स हैं, तो काफ़ी बर्ड देख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, काफ़ी माइग्रेटेड बर्ड है शायद। फिजिकल जा रही है अभी और एक मैना ऊपर आके बैठ गई है, ये रही, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बर्ड वाचर्स के साथ भी यहाँ पे। चलो थोड़ी देर वुडी स्टैंड पे खड़े होते हैं। कुछ लोगों ने ना यहाँ पे भी बहुत सारा कूड़ा फेंका हुआ है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखो अभी ये पन्नी यहाँ पे नहीं थी, अब आ गई है, किसने फेंक दी होगी, किसने फेंकी होगी यार। तो एक्चुअली लोगों को जहाँ तक अलाउ करेंगे वहाँ तक लोग आते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं, अंदर तक घुस घुस के डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि या तो इनको अलाउ ही मत करो। मैं तो कहता हूँ मैं भी नहीं आना चाहता यहाँ पे, किसी को अलाउ ही मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो फोनर तो चले गए हैं और सर आ गए हैं, जो कैलिफोर्निया वाले सर हैं, अपनी दूरबीन लेके इससे देखेंगे अब व्यू, मज़ा आता है इससे देखने में। इनकी वाइफ उधर पीछे पीछे आ रही हैं। तो एक्चुअली मैम और सर वहीं पे ही थे जब आज ना टाइगर क्रॉस कर रहे थे रोड को। ये देखो कितना प्यारा सीन आ रहा है भाई, ये देखो वाओ। एक्चुअली मेरा आप समझ सकते हैं, मुझे ये सीन देखना था, कितना प्यारा सीन है, दिखाना ही बात है। अच्छा ठीक है, उधर से आ रहा है, ऐसे करना है ओरिजिनल में। वाओ कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो भाई, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। आप उस तरफ सड़क पे खड़े थे और ये क्रॉस हो रहे थे ना, ये बहुत बड़ी बात होती है पता है, वरना देखो हाथी तो वहाँ भी खड़े हैं बहुत दूर, कभी सड़क के पास आ रहा है तो। देखो मैं ढिकाला के अंदर हूँ लेकिन मैं यहाँ जा सकता था, क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि दूसरे लोगों को टाइगर में इंटरेस्ट है और वो यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता और मुझे उनके साथ बैठे रहना पड़ा। मुझे खुद जाना था यहाँ पर ये सब देखने के लिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ, और देखो ऐसे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इस गाड़ी के पीछे दौड़ेगी। वाओ
अभी थोड़ा सा और आगे आएंगे ना ये। ये क्रॉस करेगी मेट्रिया। अच्छा, अरे वाह वाह, इधर भी ये कार छेड़ रहे हैं ना इनको। तो ये इधर से आ रही है, ये इधर से। अच्छा अच्छा, हाँ ये इधर से आधा ग्रुप इधर था है ना। ये निकल के आधा इधर था। ये बहुत रेयर चीज होती है पता, वाइल्ड लाइफ मतलब ये सिर्फ ढिकाला में ही पॉसिबल है। अप्रोच होगा ना वो, ये आ गया, ये आ गया, देखो ये तीनों आ गए। आपके कैमरे में क्वालिटी काफी अच्छी है, देखो कितना अच्छा वीडियो है। ओ वाओ वाओ, कितना सुंदर है, कितना सुंदर, बहुत रेयर है यार, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये देख रही है कि सब क्रॉस हो गए। हाँ सब क्रॉस हो गए, वो उधर से उधर। हाँ उसने पीछे मुड़ के देखा ना कि कोई, बहुत माइंड होता है इनके अंदर। वाओ, अब तो नहीं चार्ज करेगा, अब तो निकल गया ना। वाओ कितने सुंदर हैं। तो मुझे खुद ढिकाला में आके मेरे सामने ये सब चल रहा था, मतलब 500 मीटर दूर, लेकिन वहाँ नहीं जा सका मैं, और मैम के मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको दिखाना पड़ रहा है। कैन यू अंडरस्टैंड माई पेन, होता है। अच्छा इसमें और इसमें क्या अंतर है, मतलब इस अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सेम यही काम करेगा। अच्छा ये इसका ऑप्टिक्स बहुत अच्छा, मतलब वो नेचुरल बिल्कुल जैसे आँख से देख रहे हो। से ये ज्यादा पावरफुल लेंस है। अच्छा, लेकिन फोटोग्राफी के लिए जो हाँ टेक्नोलॉजी चाहिए वो उससे इसमें नहीं है। समझ गया। अच्छा मतलब सिर्फ हमें देखना देखना है, वॉच करना है, तो फिर ये है, ये, है ना? ये, लेकिन ऐसा अटैचमेंट रहता है तो इसको लगाने का। हाँ इसको लगा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड ना, ना, आप देखे टाइगर आफ्टर हम नहीं 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 हम नहीं, 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 नहीं इनका पिक्चर देखिए फोन वाला। वाँ। वाँ। शे, भाई, भाई ईगल देखो, ईगल बैठा है वहाँ पे, कितना साफ दिख रहा है, और यहाँ से तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ बैठा है। आपने तो कल भी देखा था ना टाइगर, अरे वाह आज भी दिख गया, दिखाना। ये वॉलपेपर है क्या? ये आज का है भाई, ये टाइगर वही था जहाँ पे सब लोग बाद में इकट्ठे हुए थे। वही हमको पहले लगता, पहले हमको दिखा था सड़क पे आ गए थे, सड़क पे हमारे सामने आ गए थे जीप। ये DSLR का, ये कौन किस कैमरे से खींचा हुआ है फोटो है? ये निकॉन, कौन सा मॉडल है? Z9 ना, ओके बहुत। तो ये जो शॉट लिया है सर ने लिया है, और अभिजीत, इनका नाम देख लीजिए, अभिजीत मुखर्जी है। आप इनको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसी नाम से है ना इंस्टाग्राम पे? ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के शॉट मिल जाएंगे। Golden or he or she, I'm assuming it's a he. But see the eye. No, this is for me. It was my first. You know, I mean, it was a dream. Wow, wow. This is at the you are at his level. Yeah, yeah. So I actually took it from. I tried to get down. Down. And that's why it's a little side because he was on the right hand side of the gypsy and I was on the left. So. तो मेरे मेरे ख्याल से आप पहले ही थे वहाँ पे जो अब बस नॉर्मली जा रहे थे, बस एकदम से आ गया। मतलब हम वहीं पे घूम रहे थे बिकॉज़ कॉलिंग काफी हो रही थी, तो वो उधर ही चक्कर मार रहे थे। अच्छा अच्छा, और फिर वो सामने जब हमको देखा सब पहले हमको देखा, उसके बाद फिर एक गाड़ी दो गाड़ी है, तीन गाड़ी को पूरा देखा। अच्छा, और फिर तो फिर करीब 100 मीटर सीधा हमारी तरफ। अरे वाह, मतलब आपकी गाड़ी खड़ी थी वो आपकी तरफ 100 मीटर, ऐसा बहुत रेयर होता है, बाकी लोग पीछे चेस करते हैं। जितना ये पेड़ है इतना आ जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत रेयर है। हम भी यही सोच के घूम रहे थे सब जंगल में, पर अभी तक टकरा नहीं। ये सोच के मैं बहुत घूम चुका हूँ, ये वाला मेरे तो आई एम श्योर होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपका सफल हो गया मतलब आना। हम तो अभी भी भूखे हैं, छोटी साइटिंग है बट ये वाली जो है मेन है। अच्छा, मेन है ये तो, मेन नहीं, अभी तो शाम भी हो कल भी हो, अब देखो। तो आज टुडे यू विल डू द सो वी विल स्टार्ट द सो वी हैव टू मूव टू गेरल सो वी विल नाइट यू टू स्लीप इन गेरल या सो बट टुडे नाइट। ओके ओके, हम फिर यहां से जा नहीं रहे हैं, वो ड्राइवर ने बात कर ली, यहीं से सफारी करके बस ये सही ठीक है, बस बस सो यू कैन बाय 6:45 बस होता है कि चेक इन करना है, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ तो भाई वहाँ पे एलिफेंट ग्रुप है, एक छोटा सा बच्चा बिल्कुल कोने पहुंचा हुआ, और वहाँ पे क्रोकोडाइल भी लेटा है, तो वो उसको पूंछ रोज ट्रंक खिला रहा होगा ना अपनी। हाँ बहुत बढ़िया, ये क्यूट सा बंदर सा बच्चा मुझे डरा रहा है,
ये क्यूट सा बंदर का बच्चा मुझे डरा रहा है, ये क्यूट सा बंदर का बच्चा। वहाँ पे बंदरिया भी है, वो कर सकती है अटैक। क्यूट सा बंदर का बच्चा मुझे डरा रहा है। हाउ क्यूट ही इज। एक्चुअली इसकी माँ उस तरफ बैठी हुई थी, तो मैं ना इसको इस तरफ से छेड़ रहा था ताकि इसकी माँ को मैं ना दिखाई दूँ, बस बच्चे को दिखाई दूँ। तो इसकी माँ देखने आई है अब कि कौन छेड़ रहा है इसको, बहुत देर होगी। अब वहाँ जाके बैठ गई ऊपर, अब ये भी चला गया। ठीक है, अभी हमारे पास 1.25 घंटे हैं और काफ़ी देर यहाँ पर खड़े रहे, और अभी थोड़ा सा बस मैं घूम रहा हूँ उस तरफ, देखते हैं कुछ खाली हो गया कैबिन वगैरह दिखाते हैं और घूमते हैं इस तरफ, थोड़ा सा वॉक करते हैं कोने तक। और बाकी लोग इस तरफ खड़े हैं, कैंटीन बिल्कुल खाली हो चुकी है, मैना चिड़िया आ चुकी हैं कैंटीन के सामने। हर जगह शांति है, सब ने अपनी पेट पूजा कर ली है, जिसको नहाना था वो नहा लिए, अब सब रिलैक्स कर रहे हैं। और चलो घूमते हैं, थोड़ा सा वॉक करते हैं उस तरफ कोने। मैंने तो अभी ध्यान किया, मेरे फ़ोन की बैटरी सिर्फ 2% बची थी, तुरंत मैंने पावर बैंक लगा लिया है। चलो थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं। ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में भी कुछ लोग रुके हुए हैं, हमेशा ही बुक रहता है, पर इसमें जो रुकते हैं वो जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, कुछ इस तरफ से रहता है। और पता नहीं इन्होंने क्या बनाया हुआ है वहाँ पे ना उस तरफ, वो एक खम्बा सा बना, उस पर जाने का भी एक पुल था जो कि टूट चुका है। अभी कोई मूवमेंट नहीं, अगर टाइगर दिखाना तो हलचल मच जाएगी, जितने भी वुड स्टैंड पर खड़े हैं वो अभी शोर मचा देंगे और सब उधर ही पहुँच जाएंगे। फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। इनसे पूछते हैं कोई स्पेशल बर्ड दिख रही है इनको, तो एक्चुअली वहाँ पर एक चकोत्री बैठी है, उसको देख रहे थे। तो अब चलते हैं आगे, ये थोड़ा सा ख़तरनाक बंदरिया है, थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा। और सो ये यहाँ पे कैबिन है, कैबिन देख लेते हैं, खुल रहा है बंद है, शायद अभी तो लॉक लग रहा है। वो कैबिन देख लो सिंपल है, इसमें एक रूम है यहाँ पे और सिंपल सा रूम है, फिर उधर बाथरूम है, उधर विंडो है, सिंपल बस ये है। और एक यहाँ पर है, इसमें भी लॉक लग रहा है, ये भी ऐसा ही है, इस तरफ दीवार है, इस तरफ ऐसा ही है भी। और मैट्रेस भाई, स्प्रिंग लाइफ के मैट्रेस हैं, अच्छे मैट्रेस हैं यहाँ पे। वहाँ पर हटमेंट है और वो भी, ओ बंदर का बच्चा मिला, ये मुझे हुड़की दे रहा है, गुड़की गुड़की। हाँ दो ही है ना कैबिन, तो दो बिल्डिंग है ना, एक तो ये एक वो है ना, ये ऑफलाइन है सर। ये अच्छा, ये ऑफलाइन होता है। हाँ, ये ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन में कैबिन के यानी कि दो ही कमरे हैं बस, तीन रूम। इसके अंदर तीन है, एक ये है, अच्छा एक ऊपर है, एक इधर है। अच्छा बोरा, एक का रास्ता अलग से है बिल्कुल, है ना, दो का रास्ता जीने से, एक का नीचे वाला अलग है। ये थ्री बेड है नीचे, और ऊपर डबल डबल दो। चलो भाई देख लेते हैं, ये कैबिन है, इसका नंबर कितना है, 1-2 कैबिन, अच्छा कैबिन 4 है ये। और रूम का नंबर पता है कुछ, रूम का नंबर तो यहीं आके मिलता है ना गेस्ट को, ABC। तो ऑनलाइन जब बुक करते हैं तो कुछ नहीं, बस यहीं आके अलॉट होता है जो भी हो जाए, है ना। तो सबसे अच्छा व्यू कौन से वाले से आता, वो जो जीने से ऊपर वाला जो है, दोनों से अच्छा व्यू है ना ऊपर वालों से, A और B है भाई ऊपर। कभी कैबिन में आओ तो A B से दोनों से पीछे की तरफ का व्यू है,
कभी टाइगर वाइगर की रात को रो जाए पता चल जाता है, दिन में भी दिख जाता है। चलो एक मिनट रुकना भैया, अभी लॉक मत लगाना, बस थोड़ा सा देख लूँ मैं तो ये। ठीक है हाँ, नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा मैं गंदा नहीं करूँगा। अच्छा मुझे यहीं रहना है, जूता उतार दूँ? अच्छा गीला है ना, गीला। अच्छा गीला है हाँ। लो तो एक बार ये आप ही दिखा दो है? आप ही दिखा दो ये कमरा, ऐसे पकड़ के ना उधर कमरा, बस थोड़ा सा दिखा दो ऐसे ऐसे, बस 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 थोड़ा सा बेड दिखा दो, बस बेड के बाथरूम में दिखा दो, दिखा दो दिखा दो। तो भाई हटमेंट दिखा देते हैं जल्दी कि कैसी है हटमेंट अगर कोई ओपन होगी तो, और क्योंकि मैंने कैबिन तो आपको दिखाई दिया है, मुझे अंदर नहीं जाने दे तो मैं उनसे ही बोला कि आप ही दिखा दो। तो ये हटमेंट है, हटमेंट में 3-4 रूम है। अच्छा सो देख लो भाई हटमेंट किस तरह से दिखता है। चेक इन 12:30 है, चेकआउट 11 AM है, और जस्ट ये ऐसा है, सिंपल सा प्यारा सा रूम है, बहुत बड़ा है, सब मतलब एक सही है, बाथरूम भी वैसा ही जैसा हमारा है, सिंपल सब एक सही होता है। बस डिफरेंट क्या है कि व्यू का डिफरेंट है कि आपके आपको गार्डन मिल रहा है यहाँ बैठने के लिए, आप वहाँ बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये इस तरह से सिंगल स्टोरी सिंप्लेक्स है, सिंगल स्टोरी है, कैबिन है डबल जैसा कि मैंने दिखाया था, एक रूम ऊपर है, दो रूम उधर है, तो कैबिन है, फिर उधर एनएक्स है जिसमें हम रुके हुए हैं, तो यही सब है, सब एक सा ही है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। तो बस अगर आपको थोड़ा सा प्राइवेट एरिया चाहिए इस तरफ, ये बिल्कुल लास्ट में है, बाउंड्री हो रही है, उसके उधर कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं भाई हटमेंट में, और यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ से पूरा व्यू ले सकते हैं, एलिफेंट सामने खड़े ही हैं ग्रुप। और अगर आपको एक अपार्टमेंट टाइप फील चाहिए तो उसमें जा सकते हैं, वो थोड़ा सा अपार्टमेंट टाइप है, क्वार्टर टाइप है, और अगर आपको बिल्कुल कैंटीन के पास रहना है, वहाँ थोड़ी सी हलचल रहती है, थोड़े से आदमी, बिल्कुल सब कुछ पास है, सफारी पास है, तो आप एनएक्स में रुक सकते हैं, और डॉर्मेट्री तो उस तरफ है ही, वो मैंने दिखा दिया। तो ये कैंपस का टूर है भाई पूरा, तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। बंदर अटैक कर रहा है, और भाई बंदर कमरों में घुस चुका है। हटमेंट के उस तरफ टाइगर सॉरी एलिफेंट पानी पीने आ गया है, अभी एक ही आया है, बाकी पता नहीं कहां पर है। कितना विशाल पीपल का पेड़ है, वाओ सुपर। सो अभी बंदर के बच्चे को देखते हैं क्या आठ खेल लिया कर रहा है, तार पे लटक रहा है, करंट वगैरह ना लग जाए इसको। चलो वापस चलते हैं रूम में, मोबाइल को भी थोड़ा चार्ज कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और अपना जितना भी डेटा है मेरा भर चुका है भाई मोबाइल, तो अभी मैंने कुछ ओल्ड फाइल डिलीट की है जो मैंने ऑलरेडी लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर दिया है, तो उसको भी और भी डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र करते हैं और मोबाइल में कुछ स्पेस बनाते हैं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और नॉन स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रही है, फ़ोटो चल रहे हैं, रील चल रही है, बहुत सारा डेटा मैंने इकट्ठा कर लिया है। हाँ आया, चलो भाई ओल्ड एफआरएस दिखाता हूँ कि कैसे रूम है। चलो भाई ओल्ड एफआरएच का रूम दिखा देता हूँ, जो कैलिफोर्निया से हैं मैम उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। वाओ क्या व्यू है भाई, दिस इज़ द बेस्ट। हेलो सर, आपको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो भाई ओल्ड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का मेन रूम देख लो, इसी में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी रुके थे, VVIP रूम। और ये देखो कितना प्यारा, मतलब कालीन भी बिछाया हुआ है, टेबल है, और अंगीठी के लिए भी है, और अंग्रेजों के ज़माने का यही है भाई, कम से कम सबसे पुराना फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है कॉर्बेट के अंदर। और छत देखो कितनी प्यारी बनाई हुई है, और प्रीमियम कैटेगरी का रूम है। इस तरफ विंडो है क्या, इस तरफ विंडो है, और बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है इसका। ओ वाओ, एक रूम जितना बाथरूम है भाई, बस इतना ही है। इस तरफ क्या चीज़ है, इस तरफ गेट है, ये उस तरफ जा रहा है, शायद कनेक्टेड होगा।
वाओ, लेकिन सबसे जो बेस्ट पार्ट है वो यहाँ का, ये पार्ट बेस्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो शायद क्लोज्ड है, उसको देख लेते हैं। हाँ, इसमें तो ताला लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक रूम है, यहाँ पे भी रूम है, ये देखो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ज़्यादा नहीं देख पाओगे। इसमें भी डबल बेड है लेकिन ये बंद है फिलहाल। ओह वाह, क्या फील आ रहा है भाई। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, मैंने आपको ओल्ड एफरेज का ऊपर वाला कमरा दिखा दिया है। सोचो ये आपका घर है, आप यहाँ पे बैठे हैं और ये आपका व्यू है। सामने एलिफेंट, एक ग्रुप वहाँ पर है, इधर क्रोकोडाइल, घड़ियाल, वाइल्ड बोर, टाइगर ऐसे मूव करके आ रहा है, बिल्कुल पीस। सामने कालागढ़ डैम का रिजर्व वाटर, रामगंगा रिवर, फुटिलो हिमालया, सिवाली खिल, क्या व्यू है। और आसपास इतनी हरी घास, यहाँ पे इंडियन पोस्ट ऑफिस भी है भाई डिकाला में, इस बार मैं भूल गया, कोशिश करूँगा अगर मिलेंगे तो ठीक है, वरना यहाँ से आप पोस्ट भी कर सकते हैं कहीं भी, जैसे लोग स्पीति जाते हैं ना ताबो नाको, वहाँ से करते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट स्पीड इंडियन पोस्ट ऑफिस है, तो आप यहाँ से डिकाला से कर सकते हैं पोस्ट, अपने घर भेज सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं नीचे की तरफ। सो इसका ग्राउंड फ्लोर ये है और ग्राउंड फ्लोर से इस तरह का व्यू आ रहा है। यहाँ पे भी तीन रूम है, ऊपर भी तीन रूम है, यहाँ भी तीन रूम है, बीच वाला मेन है, सबसे बड़ा हॉल है, और साइड में दो छोटे छोटे रूम है, सबके साथ अटैच बाथरूम है। तो ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भाई अंग्रेजों ने ब्रिटिश टाइम में बना था, और काफ़ी मोटी मोटी दीवारें हैं उसी टाइम की, और लकड़ी का काम देखो कितना कितना बढ़िया हुआ है, हैवी वर्क हुआ है पूरा। अरे यार, बंदरों ने वहाँ भी पोल्यूशन कर दिया, तो लेनी पड़ेगी यार पोलोथीन, मुझे गुस्सा आता है, पता नहीं कौन फैला दे। और ये छोटू, अब देखना कैसे फंसेगा ये, इधर देख, भाग गया, पोलोथीन दे ही नहीं रहा। ये बहुत खतरनाक है, चुप, बिल्कुल नहीं आना यहाँ पे। ये देखो कैसे दांत दिखा रही है मुझे, ये छुटकू। छुटकू को सूट कर रहा हूँ मैं, पन्नी ले गया वो पोलोथीन, एक्चुअली वो लेके चला गया पेड़ पे। हाँ, किसने गिरी पोलोथीन, किसने गिरी हैं? अच्छा, वहाँ से ला रहा कूड़ा, किसी का उठा के लाया। अरे यार भाई, ये कचरा ना पता नहीं किसने छोड़ दिया यहाँ पे, और सारे में फैला रहा है ये। सारा कचरा पता नहीं किस, ये ध्यान नहीं दे रहे, सारा कॉर्बेट में जा रहा है बाहर की तरफ। इसको हमें ही देखना है। कहाँ गई भैया, ध्यान रखो। ठीक है भाई, 12:33 हो रहे हैं, एग्जैक्ट धूप हो रही है, मैम भी आ गई है, और सिर्फ दो ही लोग खड़े हैं। सर, यू आर रियल जंगल प्रेमी कि आप यहाँ पर खड़े हो मेरी तरह। मैं रात को 10:30 भी यहाँ था, टाइगर यहाँ था, अलर्ट, और कॉल कर रहे। हाँ, वो गार्ड ना डंडा लेके हमें कह रहा टॉर्च मत मारना, मैंने कहा टॉर्च नहीं मारेंगे, कह रहे तुम यहाँ से हट जाओ, यहाँ पर टाइगर ना एक्चुअली चढ़ के ना कभी भी अटैक कर सकता है, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। टाइगर इधर ही नीचे नीचे, हाँ, रात को 10:30, और इधर पूरा हिरन की आंखें चमक रही मेरे। सर, आराम से जंप भी कर देगा, चढ़ भी जाएगा, जंप भी कर देगा और किल भी कर देगा 2 मिनट में, मतलब इतना देर शोर भी नहीं मचा पाएंगे। ठीक है भाई, कम से कम आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा था, सर से बात कर रहा था, अब चलते हैं भाई, खाना खाते हैं कैंटीन में, वरना लेट हो जाएंगे, सफारी में चलना है अभी। भाई मैं हो गया हूँ लेट, थोड़ा सा खाना खाते हैं, चलते हैं कैंटीन में। हेलो सर, कैमरे से कोई दिक्कत नहीं है। आपकी कभी बुराई नहीं करेंगे, आपकी बड़ाई करेंगे, बहुत अच्छा खाना है आपका, बहुत अच्छा खाना है, लेकिन मालिक को बोल देना गैरल में थोड़ा सा सुधार करें। बस यही है। अच्छा, यहाँ का अलग है, शायद अब कर दे, शायद अब कर दे, मैंने बोला तो। अच्छा, बोल दिया ना आपने, चलो बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा। एक तो 8:30 बजे खाना ना मिले, कम से कम 8 बजे मिल जाए, यहाँ तो 7 बजे मिल जाता, वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, खाना खाते हैं, खाने में देखते हैं क्या बन रहा है। हमेशा की तरह चाउमीन बनी है और यहाँ पे बने छोले, इस बार छोले बने हैं, पनीर बना है, ये क्या पनीर मशरूम है या पनीर बटर? पनीर बटर। दाल कौन सी है? दाल उड़द की, मूंग दाल है, मूंग दाल है, चावल है, और भाई मिक्स वेज बनी है वही कल वाली। मीठे में तो कुछ नहीं है, मीठा तो रात को ही मिलता है। चलो भाई लंच करते हैं। तो ठीक है, ये लंच है, खाना हो गया है, 1:32 हो रही है, 1:30 बजे से सफारी होती है, और शायद अभी गेट खुला नहीं है, अभी कोई भी नहीं गया है, पता नहीं 1:32 से 1:30 से होती है या 1:45 से होती है या कुछ सफारी चली गई है, देख लेते हैं, शायद कुछ चली गई है। फिलहाल उस बुड स्टैंड पर कोई नहीं है, सिर्फ 3 लोग थे, बहुत बड़े बड़े कैमरे लेके आते हैं लोग। चलो चलते हैं जीप के पास ही, मुझे तो कुछ लेना नहीं है, मैं तो बैग लेके ही आया था, मुझे तो कुछ उठाना नहीं है। अब विंड चीटर ले ली है, जैकेट नहीं ली क्योंकि अभी गर्मी रहती है, तो इसलिए मैंने विंड चीटर ही ले ली है। भाई गेट तो खुल चुका है, यानी कि हम लेट हैं सफारी में, 1:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, अभी भी काफ़ी लोग हैं। सो मेरे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी, 1:30 बजे नहीं भाई, 1:45 बजे से टाइम है, एक्चुअली मुझे शेखावत भाई ने 1:30 बजे बता दिया था, चलो कोई बात नहीं, और 1:45 बजे से जब यहाँ पे, अभी फ़िलहाल गेट खुला हुआ है लेकिन कोई जा नहीं सकता, अगर कोई चला गया तो भाई बहुत ज़्यादा पेनल्टी हो जाएगी, तो इसलिए सब खड़े हुए हैं, सब भी वेट कर रहे हैं। ठीक है सर, मिले थे, ये तो खैर गैरल रुकेंगे आज रात, और भाई अपनी गाड़ी कुनो भाई चमका रहे हैं। कर लो साफ, देखते अब क्या होगा, काश ये लास्ट चांस है, क्योंकि कल तो हमें सुबह जल्दी निकलना है ना, 9 बजे यहाँ पे आ जाएंगे हम, तो 2-2.5 घंटे की सफारी करेंगे 4 की जगह, तो भाई ये मेन सफारी है, अब देखते इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं कह सकते भाई, दिस इज़ फॉरेस्ट, बाकी लोगों को टाइगर देखना है, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है, मुझे रिंगोड़ा चौकी पर खड़ा होना है, पर वहाँ जाएंगे नहीं बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, मैंने अब मन बना लिया है, अब मैं आऊँगा अकेला आऊँगा, अब मैं क्या करूँगा जब मैं अकेला आऊँगा, एक्चुअली उसके लिए पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, अब जब पैसे होंगे ना तो मैं ये वाली सीट निकलवा दूँगा, ये वाली सीट निकलवा देंगे, नीचे मैट बिछवा दूँगा, अपना आराम से नीचे बैठो, कोई दिक्कत थोड़ी, नीचे बैठने मना थोड़ी करता है कोई, हाँ तो बस सीट निकलवाओ, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, नीचे मैट बिछा दो, अपनी चादर बिछा दो, आराम से बैठो, नीचे लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हाथ रख लो, और जहाँ मर्जी जो करना है, एलिफेंट देखना है, बंदर देखना है, क्योंकि जो ड्राइवर होते हैं गाइड होते हैं वो तुम्हारे कहने के अनुसार चलते हैं, जो तुम्हें करना है वो करो, और क्योंकि अभी हम 5 लोग हैं भाई, सबको टाइगर देखना है, बस टाइगर देखना है, तो टाइगर के अलावा कुछ नहीं देखना, भले ही आगे एलिफेंट खड़ा हो, कोई भी चिड़िया खड़ी हो, उनको भी मतलब नहीं है ना, तो इसलिए अब तो जैसी भी हो रही है सफारी कर लो, नेक्स्ट टाइम अकेले करते हैं, बाकी सब जीप वालों ने जीप स्टार्ट कर दिया, बस कुछ ही समय बचा है, 5 मिनट फिर सब निकलते हैं। अभी भी कौन सा हम पहले निकल रहे हैं, आ जाओ चाय पी लो, एक चाय हमारी तरफ से। शेखावत भाई चाय पी लेते, मैंने इन्होंने बुला लिया तो मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं भाई, बाकी अपनी फेवरेट कैंटीन, चाय दो चाय और लगा दो। तो भाई जी मिले हैं भाई, सुल्तान से आए हैं, मैं इनसे पूछ रहा था आजकल टाइगर आएंगे सुल्तान के आसपास, तो वहाँ पे नहीं है आजकल टाइगर, तो अभी आपके गेस्ट के साथ आए हो, अच्छा गेस्ट के साथ आए हैं, तो ठीक है भाई, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलती रहेगी। तो सुल्तान पहुँचने में यहाँ से कितना टाइम लगता है, 1.5 घंटा या सवा घंटा, 1 घंटा तो गैरल का लगता है, 1.25 घंटा वहाँ का, तो यानी कि आपको यहाँ पे, यानी कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2.5 घंटे की सफारी मिलती होगी, है ना, 2.5 की नहीं 1.5 घंटे की, हाँ 1.5 घंटा पहले छोड़ना पड़ता है, 1.5 और 3 2 भाई 1 ही घंटे की सफारी मिलती है यहाँ पे सुल्तान वालों को। चलो चलते हैं, ठीक है 1:50 हो गए हैं, 5 मिनट ऊपर, अब चलते हैं सफारी पे, थोड़ा चाय पीने लगा था कैंटीन में, तुम बैठ जाओ हैं, कोई दिक्कत नहीं है मैं बैठ जाऊँगा, किसी को ऑप्शन मिल रहा है आगे बैठने का, किसी को बैठना है तो बैठो, नहीं तो मैं बैठता हूँ, आप बैठ जाओ सर, कोई दिक्कत नहीं है, सही बात है, आज आप बैठो। आप जहाँ बोलेंगे, नहीं सर को यहीं, हाँ तो सर बैठो बैठो, ठीक है भाई,
दिगाला से शाम की इवनिंग सफारी में निकल रहे थे तो गाइड ने हाथ लिया और गाइड को बैठाना पड़ा। यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते, गाइड को बैठाना पड़ेगा। तो वसीम जी आए हैं, वो बैठे हैं पीछे। तो वसीम जी थोड़ा गाइड करेंगे।